हेलो। अपने चारों तरफ हरियाली देखकर किसे अच्छा नहीं लगता। हरियाली हमारी आंखों को सुकून पहुंचाती है और आधुनिक जीवन शैली में अवसाद, तनाव आदि समस्याओं से हमें राहत प्रदान करती है। और एक अच्छी हरियाली के लिए जो मिट्टी है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी को अच्छा करने के लिए, उसमें पेड़ पौधे उगाने के लिए हम डालते हैं कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट वह खाद जो कि केंचुए के ऑर्गेनिक प्रक्रिया से बनी होती है। जब केंचुए फल, फूल, वेजिटेबल वेस्ट या गोबर इत्यादि को खाकर पूरा उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो इस प्रकार से बनती है केंचुआ खाद। केंचुआ खाद जो है पूरी तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये हमारे गार्डन की मिट्टी को पोरस करती है, वातानुकूलित करती है, जिससे पौधे की जड़ों में वायु का प्रचार होता है और पौधों की जड़ों में नमी बनी रहती है। और ये मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देती है और मिट्टी के पीएच को संतुलित करती है। इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट हमारे जो गार्डन सॉइल है इसको न्यूट्रिएंट रिच करती है। ये तो रहा वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा। लेकिन जब केंचुए ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, यानी कि चूंकि केंचुए में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए इनकी एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट एरिया में जो तादाद है बहुत जल्दी बढ़ती है। और जब अर्थवर्म्स की संख्या यानी केंचुओं की संख्या एक पर्टिकुलर एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारी गार्डन सॉइल को नुकसान भी पहुंचाती है। मेरे गार्डन का भी यही हाल हुआ है। केंचुए चूँकि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इन्होंने गार्डन की मिट्टी को ज़रूरत से ज़्यादा पोरस कर दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा पोरस इस प्रकार हो जाती है मिट्टी कि जो केंचुए हैं ये सुरंग बनाकर काम करते हैं। और ये जो गोल गोल आपको संशोधित मिट्टी दिख रही है, इसे बोलते हैं अर्थवर्म की कास्टिंग्स। अर्थवर्म इस प्रकार से जो ज़मीन में उपलब्ध जैविक पदार्थ होते हैं उन्हें खाता है। और इस तरह से अर्थवर्म जो कास्टिंग्स हैं, ये जो गोली की तरह या छोटे मोती की तरह दिख रहे हैं, इन्हें अर्थवर्म की कास्टिंग्स कहते हैं, ये बनाता है। और जब ये केंचुए ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है। और इस तरह की पोरस मिट्टी से नुकसान ये होता है कि जो पौधे की जड़ें हैं ये पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और चूँकि ज़रूरत से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ केंचुए खा रहे हैं, तो पौधों को प्रॉपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से जब ज़रूरत से ज़्यादा केंचुए हो जाते हैं तो ये मिट्टी की संरचना को परिवर्तित कर देते हैं, मिट्टी की पीएच को भी बदल देते हैं। इसलिए केंचुए, अगर आप केंचुआ खाद डालते हैं तो इसकी जो रिप्रोडक्शन है इसे भी कंट्रोल करना चाहिए। चूँकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पूरी जो ज़मीन है इसमें पानी भर गया है, इसलिए ये सब केंचुए बाहर आ गए हैं। तो इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअली केंचुए पिक करके जिन्हें भी ज़रूरत हो, जिन भी गार्डनर्स को ज़रूरत हो, उन्हें ये केंचुए दे सकते हैं। यानी कि इन केंचुओं को यहाँ से एलिमिनेशन करके आप कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक रसायन डाल सकते हैं जिससे कि अर्थवर्म की मात्रा नियंत्रित हो। और अगर किसान इत्यादि हैं जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन में खेती करते हैं, उन्हें किसी भी विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि केंचुआ खाद का फ़ायदा ही है। जब केंचुए ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो ये गार्डन को नुकसान पहुंचाते हैं।